नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ एक खास मेहमान हैं, इस देश की सबसे ताकतवर लड़की कह सकती हैं आप, और इनके क्लाइंबिंग जो माउंटेन क्लाइंबिंग है वो इनका शौक है, उनमें उन्होंने ट्रेनिंग भी लिया है और कई बड़े पहाड़ इन्होंने फतह भी किया है। मिताली राज है इनका नाम, मिताली प्रसाद है इनका नाम, और मिताली राज से मुझे याद आया, वो क्रिकेटर्स थी शायद कोई एक, मिताली प्रसाद है इनका नाम, और इन्होंने कई पहाड़ फतह किए हैं और अब इनका अगला जो लक्ष्य है वो माउंट एवरेस्ट है, वहाँ जाना चाहती हैं। लेकिन वही समस्या है जो इस देश में ज़्यादातर जो ऑपरेस्ट सोसाइटी के लोग हैं उनकी समस्याएं होती है, आर्थिक तंगी, सिस्टम का सपोर्ट न मिलना। सोचिए, बिहार इतना रिच राज्य है, उसके बाद भी मिताली माउंटेनर हैं, पूरी दुनिया में इनको लोग जानते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से इतनी कमज़ोर हैं कि ये माउंट एवरेस्ट के लिए पैसे नहीं जमा कर पा रही हैं, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रहा है। मैं चाहता हूँ कम से कम आप पहले मिताली के बारे में जानें, इन्होंने क्या अचीव किया है, आपको प्राउड फील होगा। मैंने काफ़ी देर बात किया है मिताली, स्वागत है नेशनल दस्तक पर, और थोड़ा सा अपने बारे में देश को बताइए। प्रणाम सर, और आपके सारे व्यूअर्स को मेरा प्रणाम। मैं मिताली हूँ और मैं बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट से आती हूँ, और मैं एक माउंटेनियर हूँ, और माउंटेनियरिंग फील्ड में मैंने किलिमंजारो, जो कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, को कंक्वायर की और बिहार से पहली कैंडिडेट बनी। और मैंने माउंट बोनिटे किया, जो कि साउथ अमेरिका की एक पीक है, और इसके अलावा सबसे अच्छी अचीवमेंट अब तक रही है माउंट एकोंकागुआ, जो कि मैंने विदाउट पोर्टर एंड गाइड के सपोर्ट के सबमिट किया, और ये साउथ अमेरिका की हाइएस्ट वन पीक है और सेकेंड एवरेस्ट के नाम से जानी जाती है। तो अब अगला लक्ष्य क्या है? अगला लक्ष्य है माउंट एवरेस्ट, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, 35 लाख है अराउंड इसका कॉस्टिंग, तो ये मेरे लिए मुश्किल हो रहा है अभी कर पाना। तो सर, इतने सारे आपने मुकाम हासिल किए हैं, सरकार की तरफ से कोई मदद मिलती नहीं दिख रही है? पता नहीं, मैं 2016 से ही कोशिश कर रही हूँ सरकार से, उम्मीद कर लगाए अभी तक बैठी हूँ, बहुत कम टाइम बचा है इस वर्ष भी, लेकिन फिर भी एक उम्मीद है कि शायद सरकार कुछ तो सपोर्ट करेगी, बस एक उम्मीद ही है, अभी तक नहीं कुछ सपोर्ट हो पाया। पढ़ाई लिखाई क्या किया, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। मैंने गवर्नमेंट स्कूल से अपनी प्राइमरी एजुकेशन लिए हैं, और आगे फिर 10th 12th, और फिर ग्रेजुएशन मैंने अपना पटना यूनिवर्सिटी से किया, और मास्टर्स भी पॉलिटिकल साइंस में। और उसके तो बाद कब से ये क्लाइंबिंग कब से कर रही हैं? मैंने क्लाइंबिंग एग्जैक्टली पहले प्लान नहीं किया था, क्योंकि हमारे यहाँ मतलब माउंटेनियरिंग का ऐसा कुछ है नहीं कि भैया चढ़ गए, कि दीदी चढ़ गई और इन्होंने ऐसा किया, ऐसा कुछ नहीं था। और जब भी मैंने शुरू किया था तब कुछ वैसा डिजिटल भी नहीं था बहुत ज़्यादा, कि मेरे पास बहुत सारे संसाधन हो, लेकिन मुझे सबसे पहले प्यार हुआ था माउंटेन से, जब मैं पहली बार अपने गाँव के बगल में एक माउंटेन है, छोटा सा पहाड़ी है, तो मैं जब वहाँ गई थी तो वो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा था, तो फर्स्ट अफेक्शन बोल सकते हैं वो था मेरा। और फिर उसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिलते गई, जैसे मैं कराटे से पहले इंटरनेशनल प्लेयर हुई और साथ में फिर ब्लैक बेल्ट सेकेंड डन, उसके बाद मैंने NCC ज्वाइन किया और NCC सर्टिफाइड ए ग्रेड होल्डर हुई, उसके बाद मैंने एयरक्राफ्ट उड़ाए एज ए को पायलट बेटा स्टेशन से, और उसके बाद मैं पैरा जंपर भी हूँ, ये मेरे बैच है। हाँ, वो बताइए, और जो 3 बैच लगे उसका क्या क्या? हाँ, ये मेरा पैरा जंपिंग का है। जो कि सिर्फ और सिर्फ डिफेंस वाले कर सकते हैं, और मैं बहुत लकी मानती हूँ खुद को कि मैं सिविलियन होके आज मेरे पास ये बैच है। और इसके बाद ये बेसिक कोर्स का है, ये बेसिक कोर्स मैंने एशिया की सबसे बेस्ट वन इंस्टीट्यूट से की है ए ग्रेड के साथ, और उसके बाद फिर ये एडवांस कोर्स का है जो कि मैंने दार्जिलिंग से किया, हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, और ये है मेरा MOI जो कि मैंने अगेन नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से किया है। तो ये सारी कुछ उपलब्धियाँ थी, और इसके अलावा मैंने एक बहुत ही अच्छी कोर्स है अल्पाइन ट्रेनिंग, जो कि मैं बहुत लकी मानती हूँ खुद को कि मुझे करने का अपॉर्चुनिटी मिला, और इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, और उसी के बेसिस पे मैंने एकोंकागुआ को सोलो प्लान किया था। तो अब क्या चाहती हैं सर, मतलब आर्थिक मदद होगा तभी ये कर पाएंगे आप? ऑब्वियसली सर, क्योंकि मेरे पापा फार्मर हैं, और मुश्किल है कि इतना सारा अमाउंट मतलब हम लोग खुद से कर पाएँ, अगर सरकार थोड़ा भी मदद करती है या फिर लोग भी थोड़ा मदद करते हैं तो डेफिनेटली ये पॉसिबल हो पाएगा।
तो बिहार के रहने वाली हैं और ये सारे अचीवमेंट बताया इन्होंने, इन्होंने हासिल किया है। दुनिया के किसी और दूसरे देश में होती तो बड़ी ब्रांड एम्बेसडर होती, किसी कंपनी ने, किसी पीएसयू कंपनी ने, किसी स्पॉन्सरशिप ने कहीं कोई ऑफर नहीं किया। सर मैं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक बहुत अच्छी सी खुशखबरी कह सकती हूँ, जो कि पूरे बिहार के स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है कि इस बार पहली बार अगर लेकिन पूरा अमाउंट हो जाता है मेरा तब तो पीएसयूज़ में बीपीसीएल का पहली बार लोगो बिहार के किसी स्पोर्ट्स पर्सन के पास आने वाला है। तो ये खाता हम बिहारी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए खुल रहा है और मैं सभी स्पोर्ट्स पर्सन को शुभकामना भी देना चाहती हूँ कि अगर मेरे होने के बाद अगर आप ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली आपको भी मिलेगा, लेकिन पहले उनके लिए ये ट्रस्ट जो अभी मैं बिल्ड करने की कोशिश कर रही हूँ इसमें आपको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। खेल मंत्री से मिली है, कैसा रिस्पॉन्स है सरकार स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, कोई रिस्पॉन्स है? मुझे सर वर्बली ही रिस्पॉन्स मिलता है, रिटर्न में नहीं मिलता। हमेशा बोलते हैं कि प्रोविज़न में नहीं है, नहीं है, तो मतलब क्या ही मैं बोलूँ, कुछ नहीं कह सकती। मैं बोलती हूँ कि सेंटर के स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में प्रोविज़न में है कि नहीं अमाउंट? वहाँ है सर, तो वहाँ मतलब उन्होंने बोला कि अगर मैं वहाँ भी गई थी, खुद ही गई थी बात करने के लिए, तो उन्होंने बोला कि अगर आपकी स्टेट गवर्नमेंट अनुशंसा करती है यानी कि कुछ टोकन अमाउंट निकालती है तो डेफिनेटली सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ करेगी आपके लिए, लेकिन अभी स्टेट गवर्नमेंट का आया नहीं है तो फिर मैं क्या बोलूँ। लोगों से क्या चाहती हैं? मुझे लगता है कि मैं हर बार अगर रुक रही हूँ तो इस बार मैंने बहुत उम्मीद के साथ शुरू किया है ग्राउंड लेवल से कि आप अगर मुझे थोड़ा थोड़ा भी सपोर्ट करेंगे तो शायद ये 35 लाख का अमाउंट बहुत बड़ा नहीं रह जाएगा, और बूंद बूंद से घड़ा भरता है ये तो बहुत ही हमारा पुरानी कहावत है और शायद सही भी है कि अगर आप छोटा छोटा अमाउंट अपना फ़ोन नंबर देंगे, फ़ोन नंबर उठाने के लिए तैयार हैं अगर नेशनल दस्तक, क्योंकि फ़ोन कॉल्स बहुत आएंगे उसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। ज़रूर अगर आप मुझे गूगल पे और फ़ोन पे के थ्रू आप मुझे पेमेंट कर सकते हैं 9304983265 ये मेरा नंबर है, और इसी पे अगर आप कुछ भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कीजिए, और शायद आपके सपोर्ट से इस बार मिशन एवरेस्ट रुकेगा नहीं। तो ये मिताली प्रसाद हैं और बहुत बात इन्होंने मुझे बताई है, मैं चाहता नहीं हूँ कि बोलूँ लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ कि बहुजन समाज से हैं और जातिवाद जो है ना वो कई रूपों में आपका शिकार करता है। मुझे लगता है बहुजन समाज से मुझे उम्मीद है और मेरी लगातार कोशिश होती है कि ऐसे तमाम एक्सीवर्स जिन्होंने अपनी मेहनत से खुद को साबित किया है उनको देश के सामने पूरी दुनिया में जहाँ भी नेशनल दस्ता के दर्शक हैं जिसको देख रहे हैं, मेरी व्यक्तिगत गुजारिश है कि बहुत शार्प हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत बहादुर हैं मिताली, इनकी ज़रूर मदद कीजिए ताकि ये माउंट एवरेस्ट को फतह करे, एक शानदार करियर बना सकते हैं आप इसको, प्रोफेशन है, पैसन है, और आप लोग को लगता है कि ये ठीक है तो आप लोग ज़रूर मदद कीजिए। मिताली ने अपने आप को साबित किया है, दूसरे विंडो में वो तमाम तस्वीरें देख सकते हैं जिन्होंने अभी तक अचीव किया है। आप लोग की प्रतिक्रिया क्या है, अपनी प्रतिक्रिया भी आप दे सकते हैं। शुक्रिया एक बार फिर से मिताली हमें समय देने के लिए, थैंक यू सो मच सर। तो आप लोग अपना कमेंट ज़रूर कीजिए, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए, और मिताली के सपनों को आप पंख देने में इनकी मदद कीजिए ताकि और ऊँचा उड़ सके। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।